हैं प्रभा शंकर जी जब यहाँ रहते थे तो तीन लोगों का ग्रुप बनाया गया था कि निर्मोही सर और प्रभा शंकर जी और कृष्णा कृष्णा के निकारणों से एक आध दो नंबर से रहेंगे। और पिछले दो तीन महीनों से इनका गांव बगल में ही जारी इलाहाबाद में ही, तो ऐसे मजाक मजाक में शायद निर्मोही सर ने कह दिया कि तुम गांव बहुत जाते हो, तुम्हारा इस चक्कर में होगा नहीं। इस बंदे ने संकल्प ले लिया कि अब घर तभी जाएंगे जब सिलेक्शन मिल जाएगा। हमसे उन्होंने बताया कि अब तो ये घर ही नहीं जा रहा था। एक बार हम बोले कि प्रभा शंकर घर चले जाओ, उनकी शादी हुई है, बालक भी थे, बच्चे हैं घर में, तो हमने कहा कि यार चले जाओ, तीन चार महीना हो गया। तो बोले कि गुरु जी अब तो तभी जाएंगे जब सिलेक्शन मिल जाएगा। और इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कि एक समय तो ऐसा लगा कि प्रभा शंकर पकड़ा जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ही भूल जाने लगे। तो परीक्षा के 6-7 दिन पहले जब ये प्रश्न पत्र हल कर रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न गलत कर दे रहे थे, तो हमसे निर्मोही सर ने कहा कि सर स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, ये सोता नहीं है रात में, अब दिन रात पढ़ता है तो अब गड़बड़ा जाता है, नींद में ही पेपर हल करता है। तो हम इनको बुला के बोले कि अब अगले 5-6 दिन पढ़ना नहीं, सिर्फ सोओगे। और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चनों को ये ब्रह्म की तरह मानते थे। तो फिर ये लगातार जब 5-6 दिन सोए तब ये होश में आए, उसके बाद से 3-4 दिन पेपर बचा हुआ था, अच्छी से प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया किया इन्होंने। और फिर आपके सामने है कि सहारनपुर में आपको नियुक्ति मिली और आप अध्यापक हुए।